साडे नाल जुड़े रहने के लिए यूट्यूब का चैनल अमृत बाणी सेवा दल जरूर सबसक्राइब करो ते बैल बटन जरूर प्रेस करो ताकि तुहाडे तक साडी नवी नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। धियां भैणां बीबियां मेरे माता दी उम्र दियां बजुर्ग बैठियां ने पर मैनू ये अर्थ करने पैणे ने। ये शब्द जे मैं घुमा के गल कर जांगा तो स्वाद कोई नहीं आना। हजूर ने लफ्ज वरते ने महाराज कहिंदे सराद खाण वाला अंदरों मैला है। भाई वीर सिंह ने इस शलोक नूं पहले शलोक नाल जोड़ के अर्थ किए कहिंदे उहने चुली भी कर ली इशनान करके भी बैठा है पर सतगुरु कहिंदे ने तेरा बाहर दा पिंडा धोता की करेगा जे तेरा अंदर झूठ दे नाल भरिया पिया है। अंदर तेरा तां मैल नाल भरिया है फिर तेरे अंदर दी झूठ बदो बदी निकलती रहिंदी। फिर ध्यान नाल सुनियो किवें निकलती है झूठ। सतगुरु ने शब्द वरत्या है ज्यों जोरू सिर नावणी आवै वारो वार झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुवार। पहला शब्द आया ज्यों दा अर्थ जिवें जोरू लफज इहदा अर्थ इस्त्री सिर नावणी इहदा पाठ नन्ने नूं खा हा भारा करके बोलना जिवें नावां तीर्थ नावां जे तिस भावां विण पाणे के नाए करी आपां भारा बोलने नाए लफ्ज भी आउंदा है। इह है ज्यों जोरी जोरू सिर नावणी पाठ कट्ठा करना सिर नावणी वखरा वखरा नहीं करना। ज्यों जोरू सिर नावणी आवै वारो वार इहदा अर्थ है जिवें एक इस्त्री नूं सिर नावणी दा अर्थ एक लफ्ज वरतदे सन कि रितु स्नान हिंदी विच संस्कृत विच रितु स्नान इहदा अर्थ है सिर नावणी दा अर्थ। महाराज जी ने बड़ा प्यारा शब्द वरत्या जी किहड़ा किहड़ा कमाल दा सबक शब्द दिता सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने जिवें एक इस्त्री नूं मासक धर्म आउंदा है। साडे घर च मतावां बेटियां ये कुदरत दी बनी हुई एक खेड है ये रब दा बनाया हुआ नियम है। ज्यों जोरू सिर नावणी जिवें एक औरत नूं मासिक धर्म आउंदा है आवै वारो वार माहवारी लफ्ज असीं वरतने पर उहनूं ओह जिहड़ा रब ने बनाया उहदी बॉडी दा ढांचा रब दे बनाए हुए नियम नाल अपने आप उहदे अंदरों वार वार खून बाहर आउंदा है। ये फिर बेनती सुनियो क्योंकि इस शलोक दे अर्थ करदिआं बड़ी सुचेतता दी लोड़ है। हुण उह फिजिकल ढांचा ऐसा है ये परमात्मा दा बनाया हुआ नेम है कादर दा ज्यों जोरू सिर नावणी आवै वारो वार कि जिवें औरत नूं रितु स्नान सिर नावणी दे अर्थ वैसे कीते सन गुरमुख विद्वानां ने कि जदों उह रजो धर्म आउंदा है उह मासिक धर्म आउंदा है उह तीन दिन चार दिन उस तों बाद पुराने समय के उस समय नूं निकलन तो बाद किसी इशनान करके कहा जांदा सी कि शरीर अज पवित्र हो गया। मैं कहा जांदा लफ्ज वरतिया याद रखियो कहा जांदा सी शरीर पवित्र हो गया किसी इशनान करना उहनूं सतगुरु ने लफ्ज वरतिया सिर नावणी इहदा अर्थ किसी इशनान करना सिर तो पैरां तक अपने तन नूं साफ करना। ज्यों जोरू सिर नावणी आवै वारो वार ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਫਰੇਬੀ ਹੈ ਕਪਟੀ ਹੈ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਪਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡੀ ਪਰਪੰਚੀ ਮਨ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕਿਰਿਆ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੀਬੀ ਲਈ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਰਤੀ। ਹਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਖਰ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ
संतान ओ ही खड़ा सकती है जिन्हों परमात्मा ने यह दात बख्शी हुई है। मैं लफ्ज चलो दात वरते जिन्हों परमात्मा ने जिदी शरीर नू यह दित्ती हुई है दात, भावे ओ गंदा खून है लफ्ज वरत लिए, बाणी च वरत्या। महाराज जी ने कहा कि पानी मैला माटी गोरी लफ्ज भी वरत्या है, रक्त बिंद कर निम्या लफ्ज भी वरत्या, खून लफ्ज उत्थे भी आया। पर इहदे अर्थ इस ढंग नाल करिए, हालांकि ठीक है कि इस धर्म विच एक औरत ओ ही समझदी है उहदे तन नू किन्ना कु खिज पौणा हुंदा है, किन्ना कु थकावट उहनूं भासदी है, किन्नी को अकावट भासदी है। पर इहदा अर्थ यह नहीं कि वह अपवित्र हो गई है, उहनूं छूण दे नाल बड़ा वड्डा पाप हो जाएगा। मैं आओ तुहानूं आसा की वार चों एक उदाहरण देण लगा, मेरा ख्याल उहदे नाल शंका बिल्कुल निकल जाएगा। जे असी सिर्फ देखो ये पशु असी सारे जेरे चों ने, जिहड़ी चार खाणियां ना ये पशु साडे विचों ने, जां इउं कह लो असी पशुआं विचों, असी अंडे च श्रेणी चो नहीं, साडी पैदाइश अंडे की तरह नहीं, अंडे विचों ते निकले ना, जेरे चों आपां जिवें पशु ने। मैं किन पढ़ रहा सां होर किसी भी मदीन नूं परमात्मा ने जिहड़े जेर जवाले ने उहदे विच इह नेम बिल्कुल नहीं बनाया। एक मानव देही विच इस्त्री है जिन्हों परमात्मा ने इहो जी मखीने की यह प्रक्रिया दे दिती है, मखीने का यह नेम बना दिता है। सच एवे मैं सोचता सा जिन्हों मलीनता कहा जाता है, चेते रखियो इस मलीनता विच भी एक जीवन लुकया होया, इहदे करके संतान की अगे प्राप्ति होंदी है। ये सारे असी जानने चंगी तरह, इहनूं जे इस हिसाब नाल कहीए जी ये अपवित्रता है। आओ मैं एक बेनती करांगा, असी बॉडी वल झाती मारीए। गुरु ग्रंथ साहिब की बोल है, महाराज जी ने तो इहनूं पापी तन कहा, तो कि आप रोटी खानी छड़ देंगे? ये अगे शलोक आएगा, पहला सुचा आप होए सुचा बैठा आए, उहदे विच एक पवित्र बचन है, अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण, पंजवां पाया किरत ता होवा पाक पवित। यह उदाहरण का एक पक्ष लैना है, इहदा अर्थ यह नहीं कि इहनूं असीं कह दईए जी इह तां अपवित्रता आ गई। ठीक है लफ्ज़ कलोकी मनदे रखे, पर गुरु साहिब ने आत्मक तौर पर अपवित्रता नहीं मनिया। हालांकि शरीरक तौर पर तो साढ़े कपड़े भी अपवित्र होंदे, मूत पलीती कपड़ होए वह भी तो अपवित्र होंदे। गुरु साहिब का एक बचन सी पढ़िया सी, जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, उन्हों भी अपवित्र मनिया है। चलो असी मैं वह दूसरा प्रमाण देन लगा कि अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लीण लूण, पंजवा पाया किरत ता होवा पाक पवित। अर्थ बड़े सौखे, कहा जाता है अन्न एक देवता है, पर चेते रखियो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करने वाले हो, असी सिर्फ देवाद देव अकाल पुरख वाहगुरु माने, इंद्राण इंद्र शाहान शाह सिर्फ एक पार ब्रह्म परमेश्वर वरत्या जाता है। इत्थे महाराज जी ने जिहड़ा देवला देवता लफ्ज़ वरत्या है वह चल रही परंपरा की शब्दावली वरती। अन्न देवता मन्या गया, अग नू देवता मन्या गया, पानी नू देवता मन्या गया, लूण नू पवित्र मन्या गया। यह जदों चार चीज़ां कट्ठियां होईयां ते पंजवां उहदे च घिओ पाया ते भोजन तैयार हो गया। हुण अगे सुणो वह भोजन गया कित्थे। हुण उत्थे महाराज जी ने कल्ली औरत दे शरीर की उदाहरण नहीं लई, उत्थे हर बॉडी की उदाहरण महाराज जी ने वरती। अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण, पंजवां पाया किरता होवा पाक पवित। पापी छों तन गड्डिया। हुण बेनती सुनो, इत्थे लफ्ज पापी वरत्या जी, पापी छों तन गड्डिया, इहदा अर्थ है अपवित्र बॉडी, जिहड़ा शरीर पवित्र नहीं। मैं फिर अर्ज करांगा बॉडी की जिहड़े किरिया के हिस्से ने उहदी शरीरक तौर पर अपवित्रता ते मानसिक तौर पर अपवित्रता दोनों विच जमीन असमान का फर्क है। शरीरक तौर पर एक धर्म है, वह परमात्मा ने उहदी बॉडी का सिस्टम इहो जिहा बनाया, पर जे उहनूं नफरत नाल कहो जी गुरु साहब ने तैनूं निंद दिता जी, गुरु साहब ने तैनूं स्वीकार नहीं किया, तो मैं दूजे उदाहरण तां देना पिया। भलियो असी रोज़ रोटी खाने, अन्न साडे जांदा है पानी साडे जांदा है,
अग नाल पक्या होया भोजन साडे जांदा है, लूण साडे जांदा है, घिओ साडे जांदा है, दुध साडे जांदा है। गुरु नानक साहिब कहिंदे तेरा तन कादा पवित्र, जिन्हां नूं लोक देवते कहिंदे ने तू चबा के भोजन जदों पेट विच पाया इहदे बदले बिष्टा गंदगी बनी, जिस गंदगी नूं वेख के लोक थुक्कण लग पए। हुण आपां इह कहिण लग पावे गुरु नानक साहिब ने शरीर दी निंदिया कीती। देखो समझो बाणी नूं गुरमुखो ध्यान दे नाल। अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण पंजवां पाया, किरता होवा पाक पवित, पापी स्यों तन गड्या, थुक्कां पईआं तित बौडी, पापी स्यों तन गड्या। इस तन की संगत करके देवते मलीन हो गए, गंद का रूप धारण कर गए, थुक्कां पईआं तित। महाराज कहिंदे गल असल च कहना चाहते ने, जित मुख नाम ना उचरे विण नाम है रस खाहे, नानक एवें जाणीए पापी स्यों तन गड्या। हुण आ गल समझण वाली, एवें जाणीए। हुण ये जिहड़ा इत्थे शब्द आया, ज्यों जोरू सिर नावणी आवै वारो वार, ये अर्थ इस तो अद्धी तुक नूं लै के पवित्र पवित्र कह दी नहीं। महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे ने भाई सजनों, जूठा जूठा मुख वसै नित नित होए खुवार। वह वारो वार एक रूटीन है, जिवें मासिक धर्म वार वार आउंदा है, वह महीने बाद आउंदा है। सच कहिंदे ने जूठा बंदा जिहड़ा झूठा बंदा है, चेते रखो जिन्ना मर्जी यतन करो उहदे अंदरों वी वार वार झूठ ही निकलदा है। ये सिर्फ समझने वास्ते एक उदाहरण है। इत्थे साहब ने कहा पापी स्यो तन गड्या, थुक्कां पईआं तित, जित मुख नाम ना उचरै विन नाम है रस खाहे, नानक एवें जाणीए तित मुख थुक्कां पाहे। उत्थे एक उदाहरण लई बॉडी दी। चलो मैं एक होर प्रमाण अर्ज कर देना बाणी चो। मैं इस करके थोड़ा जा इहदे ते रुकिया हाँ, हालांकि मेरा विशा तां है कि सुचे ओ ही ने जिन्हां दे मन च सच्चा वस गया है। महाराज कहना तो ही चाहते, पर यह जरूरी सी। असी गाथा बाणी पढ़ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब च, उहदे विच हजूर ने बॉडी की मलीनता का बड़ा जिक्र किया। वह शलोक है जी, करपूर पोप सुगंधा परस मनुख है देह मलीनंग। इस तरह बीबी वास्ते शब्द वरते, हुण परस मनुख है देह मलीनंग। ते आपां ये अद्धी तुक लै के रौला पा दी जी, गुरु ग्रंथ साहब ने ते बंदे दी बॉडी नूं भ्रिष्टिया मन्निया, ये तां है ही मलीन। ते मैं बेनती करांगा, गुरु ग्रंथ साहब तां ये भी कहिंदे ने कि नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, वह तां सोहणी बणे ने, सही सुंदर सोहणे साध संग जे बहणे। मैं बेनती करांगा, वाह वाह करें सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजन आई। पर दूजे पासे बाबा जी कहिंदे ने परस मनुखा दे मलीन, ए मैली है। मैं तां अर्ज कीती, वेखो किसे भी तुक दी गहराई जाइए, उंज कोई अर्थ ए नहीं भी जो मैं अर्थ कर रहा आखरी साचे। गुरु साहिब ने उत्थे बॉडी दी मलीनता दा जिक्र किया। सतगुरु कहिंदे ने मान लो कोई मुश खफूर लै लै, जिन्हों आप जी सेंट कहिंदे हो जी, सीधी जी गल, अतर लै लो, मुश खफूर होवे, खिड़े हुए फुल होण, कई तरह की सुगंधी मलमल के इस स्किन ते चमड़ी ते लाई होवे। आ गर्मी दे दिन ने, जदों बंदा घरों निकलदा किन्ने पाउडर किन्ने अतर फलेला ना के निकलदा, ते शाम नूं उसे बॉडी विचों भैड़ी बदबू आउण लग पैंदी। शीशी विच तां उही पिया जिहड़ा सवेरे ला के गए सां, पाउडर तां उही डब्बे विच पिया है। साड़ी बॉडी दे पसीने करके सारा दिन इस चमड़ी दी संगत करके वो मैला जिहड़ा पवित्र सी प्यारे वो सुगंधी वाला वह भी बदबू मारन लग पिया। पर उहदा अर्थ इक्को लैणा, इहदा अर्थ यह नहीं कि स्किन का खात्मा कर दिओ ते अपवित्र। सतगुरु दे बोल ने कि करपूर पोप सुगंधा परस मनुख है दे मलीनंग। इहदे च की मज्जा रुदर दुर्गंधा, फिर अर्थ कर देना, करपूर पोप सुगंधा फुल सुगंधी मशु कफूर परस मनुख है देह मलीनंग। मलीन दा अर्थ भैड़ी अपवित्र पलीत होई। कहिंदे ने इस पलीत होई बॉडी नाल जदों लगे उहनां विचों भी बदबू आ गई। मज्जा अंदर तेरे मिज है, अंदर तेरे खून है। दुर्गंधा तू गंद दी पोटली चुक के हर थां ते जाना प्यारे हो। मझा रुद्र दुर्गंधा नानक अत गर्बेण अग्ञानिनो।
कई बार सवाल उठता है कि इस रितु च आप नितनेम कर सकने, आप पाठ कर सकने इस सिरनावणी दे वेले। गुरमुखो चेते रखियो ये बौडी का करमक है, पर नितनेम नहीं कदी छड़ी दा हुंदा, संगत भी जाना कदी नहीं छड़ी दा हुंदा, बंदगी कदी नहीं छड़ी दी हुंदी। इत्थे जिहड़ा सतगुरु ने लफ्ज वरते है कि ज्यों जोरू सुरना सिरनावणी आवै वारो वार, जिवें एक औरत नूं सिरनावणी उसका रजो धर्म वार वार आउंदा है। सतगुरु कहिंदे ने झूठे झूठा मुख वसै नित नित होए खुआर। इसे तरह जिहड़ा बंदा झूठा कहे, कपटी कहे, छलिया कहे, फरेबी कहे, सतगुरु कहिंदे ने उहदे अंदरों मंदे फुरने इसे तरह निकलदे रहिंदे वार वार। मैनूं याद है मस्कीन साहब ने दे अर्थ इस तरह नहीं किए, उन्होंने आसा की वार जो अर्थ किए, बाकी तकरीबन जिन्हें विद्वान तुसी पढ़ोगे सारे ने यही अर्थ किए भी ये मासिक धर्म है, वह गंदा खून है। तो इस तरह साकत बंदे दे अंदरों गंदे ख्याल निकलते, उहदे अंदर अपनी ख्याल बनी जाते, जिमें खून बनता है आप ही बाहर आता है। इस तरह साकत बंदे दा अंदर सोच इन्नी कु मलीन है, रब तो टुटा हुआ बंदा ओदी मलीनता फिर बाहर प्रगट हुंदी है। मस्कीन साहब ने दा अर्थ वैसे कीता सी जी, देखो सूझवान सन, सियाने ने सन, पर उन्होंने कीता सी कि झूठा झूठा मुख वसै नितनित होए खुआर। वह कहिंदे सन जेड़ा इस सिर नामनी दे वेले औरत नूं झूठा कहिंदा है, कहिंदे ने वह झूठा कहण वाला ही झूठा है तो वह खुआर हुंदा है। पर उंज अर्थ जेडे प्रकरण अनुसार जेडे ने वह यही बन गए, ज्यों जोरू सिर नामणी आवै वारो वार, झूठे झूठा मुख वसै नितनित होए खुआर। हुण अगली तोके नूं होर क्लीयर कर देगी। मेरी इच्छा सिर्फ श्लोक दे अर्थ करना, डिटेल लोड़ पैंदी मैं करना। हुण अगे अंदर झूठ है, श्राद्ध दे दिन आ गए ने, इशनान करी बैठे, अंदर पलीत होया पिया है, बार पिंडा मल मल के धोई जांदा है। ते गुरु साहब ने अगला बचन किया, कहन लगे कि सूचे ए ना आखिए, उन्हां नूं मत सचियार कहो, मत सुचे कहो। कौन? बहन। जे जे लफज नहीं पढ़ना, जजे नूं ला नहीं लगी, जजे नूं सियारी लगी है। महाराज बचन करते ने भाई कि सूचे ए ना आखिए, बहन जे पिंडा धोए। जेड़े अपने शरीर की चमड़ी नूं धोई जांदे ने, अंदर झूठे झूठा मुख वसै। फिर मैं बेनती करांगे दे अर्थ सुनियो, सिर नामणी इहदे भाव है कि उहदी पवित्रता उस दिन जिदन वह कर्म खत्म होया ते सिर इशनान कीता पवित्रता आ गई, बॉडी दी कह रहे हां। अगली बेनती, महाराज कहिंदे ने जे वह रितु आई होवे इशनान करके कह मैं अंदरों साफ नहीं। साहब कहिंदे ने इस तरह जेड़ा बंदा झूठा है, फरेबी है, अंदरों मैलन भरिया है, वह जे अपने पिंडे उत्ते पानी पा के कहे जी मैं तो सुचा हो गया, गुरु साहब कहिंदे बिल्कुल झूठ। जेड़े कल्ले चमड़ी धोंदे ने वह कदी सुचे नहीं होंदे। आओ असीं थोड़ा जिहा पाखे गुरु ग्रंथ साहब चों लाँगे कि की अंदर दी मलीनता वाला बाहर दे पानी दे नालों दी सुचमता आ जाएगी। आओ थोड़ा जिहा गुरु ग्रंथ साहब तों दर्शन करिए। ये भी मैं बाणी चोरज करांगा, ये नहीं भी आपां एक पख लाँगे जी मलीनता जांदी नहीं। गुरबाणी दसेगी अंदरों बंदा पवित्र किवें हो सकता है, किवें शुद्ध हुंदा है। हजूर सच्चे पातशाह जी ने शब्द वरत्या है, कहन लगे जे इंसान दे अंदर मैल है, बहन जे पिंडा धोए, जे वह अपनी पिंडे नूं धोण की वह सुचे हो जाणगे। गुरु ग्रंथ साहिब च इस गल ते बड़ा जोर दिता गया। मैं तां कई वारी सोचना कि जप जी साहब की पहली पौड़ी की पहली तुक ही शरीरक पिंडे की सुचमता तो शुरू हुई है। सोचा सोच ना हो गई, ये सोच इत्थे लव सोच इहदा मतलब शरीरक पिंडे नूं चमड़ी नूं धोना। शरीर के धोन नाल अंदर दे फुरने नहीं धुपदे हुंदे, शरीर के धोन नाल अंदर की गंदी बिरती नहीं धुप सकती। सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार, लख वार पाठ वखरा वक इकट्ठा नहीं वखरा, लखा वारी
जे तू पिंडे नू धो लै, मैं इस तुक ते पहला रुकिया वा, सुचे ए ना आखियां बहन जे पिंडा धोए। महाराज कहिंदे ने सोचा सोचना हो बई जे सोची लख वार। आप सुखमनी साहब पढ़ दिओ, उहदे च इक बचन आउंदा जी, सोच करै दिनस अर रात बहन जे पिंडा धोए। उत्थे भी सोच दर ते सोच इशनान पवित्रता। सोच करै दिनस अर रात मन की मैल ना तन ते जात, इस देही को वो साधना करे मन ते कबू ना बिख्या टरै। जल तो वह वो देह अनीत शुद्ध कहां होए काची भी। देखो बहन जे पिंडा तो है। इस बॉडी नू रोज पानी नाल धोंदा है। ते गुरु साहब जी बचन वरते ने कि जिवें एक कच्ची भीत कच्ची कंध मिट्टी नाल लिपी हुई कंध होवे, ते असी पानी दी बाल्टी भर के कहिए जी अज चंगी तरह धो के दी सारी मिट्टी साफ कर देनी। गुरमुखो जिवें कच्ची मिट्टी दी बनी हुई कंध जितनी मर्जी बारिश हो जाए जिन्ना मर्जी उन्हों धो लो, सच एवे कि उस कच्ची भीत जिहड़ी है माटी दी भीत जिहड़ी है वह मिट्टी कदी भी पवित्र नहीं हुंदी जे अंदर बंदगी नहीं। बार जिन्ना मर्जी इस कच्ची कंध नूं धोई जाओ, इन्हें अंदरों पवित्र नहीं हो जाता।